दोस्तों, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा साधा एक ही मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस ही नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान तैयार करो और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग ही नहीं सकते और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ जरूर समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये तुम नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन ही नहीं कर रहा है, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे ना तो तुम्हें सही जवाब मिल ही जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।